संसद में हुई बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां संसद में जब बड़ी चूक की घटना हुई तो इस पर जयराम रमेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। दरअसल संसद भवन में सुरक्षा चूक की घटना और उसके बाद 15 सांसदों को संसद से निलंबित किए जाने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। अभी तक तो ठीक चल रहा है, पर कल दोपहर से कल से जब जो इंसिडेंट हुआ, कल का जो घटना घटी, जो सुरक्षा प्रावधान है पार्लियामेंट में, उसका जो बड़ा गंभीर उल्लंघन है, उस पर हम सवाल पूछ और कल दोपहर से हम मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए लोकसभा में, गृह मंत्री आए राज्यसभा में, एक बयान दें और एक दो घंटे के लिए उस पर चर्चा होगी और हम बिजनेस उसके बाद जो सदन की कार्यवाही वो चलती रहे। पर कल भी सरकार नहीं मानी, आज तो बिल्कुल ही नहीं मानी, तो मुझे समझ में नहीं आता। इतना बहुत गंभीर घटना घटी है कल और उस पर सरकार की ओर से एक कोई औपचारिक तौर से मंतव्य नहीं आया। हाँ, कार्रवाई जो जांच हो रहा है, CRPF की ओर से जांच हो रहा है, ये सब हम बयान आए हैं, पर औपचारिक तौर से गृह मंत्री को आना चाहिए और एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या ये क्यों हुआ, कैसे घटा। और सिक्योरिटी जो है, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं ये 21वीं शताब्दी की एक मिसाल है, ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो ये कैसे उल्लंघन हुआ, ये कैसे। और एक और विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है, इस हादसे में, इस दुर्घटना में, मैं इसको दुर्घटना ही कहूँगा क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, बीजेपी सांसद मैसूर के जो प्रताप सिम्हा की भूमिका निकल कर आई, उस पर बीजेपी बिल्कुल चुप है। बीजेपी कोशिश कर रही है ध्यान हटाने के लिए, तो बड़ा गंभीर मामला है। और हमारी मांग राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में सूबे से उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही हमारे लिए लोकसभा में, राज्यसभा में। और हमारी मांग तो बड़ा सिंपल सा मांग है, बहुत सीधा मांग है कि गृह मंत्री आए और बयान दे। अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी तो यही मांग करती कि अगर गृह मंत्री नहीं आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। तो हमारी मांग को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, गृह मंत्री को आना चाहिए। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक घटना पर गृह मंत्री के बयान की मांग है, वो चाहते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह इस पर बयान दें। इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया, हमारे लिए सरकार तानाशाही दिख रही है। जी हाँ, जयराम रमेश ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और सामने आकर सुरक्षा में हुई चूक पर बयान नहीं दे रही, जिसके बाद उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।